मुझे तो लगता है मैं ठीक कहती है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो, लेकिन क्यों कर रही हो ये बात समझ में नहीं आ रही। जिस दिन मुझे ये बात समझ में आ गई ना सुबुल, उस दिन या तो तुम नहीं या मैं नहीं। कि वो तुम्हारी माजूर बच्ची की माँ है, लेकिन बुरा मत मानना बेटा, बहुत कम ज़र्फ है तुम्हारी बीवी। देखो भाई, अच्छी तरह जानती है कि मैं बेघर हो गई हूँ, मेरा घर नहीं रहा, लेकिन हाल है जो उसने एक बार झूठे मुंह का आओ कि अम्मी जान घर आपका है, आप यहाँ सुकून से रहें। कितना जीऊंगी और मैं, कितनी जिंदगी रह गई है मेरी। नहीं भाई, मैं तो उसे बर्दाश्त ही नहीं हूँ इस घर में। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ये आपका घर है। तुम नहीं समझोगे मेरे चंदा, घर बना तो तुम मर्द ही है, लेकिन औरत का होता है। और ये घर भी तो तुमने उसके लिए बनाया था ना, तुम्हारे जाने ना जाने से, कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा। क्या करूं? यह सब कुछ संभल से कहलवा देता हूँ। नहीं, तुम्हारे जोर जबरदस्ती पे कह देगी, कभी मुझे सुकून नहीं मिलेगा बेटा। तुम मेरे लिए इतना कर दो कि मुझे कोई छोटा मोटा सा किराए का घर लेकर दे दो, इससे पहले कि वो मुझे जलील करके यहाँ से निकाले। और उस घर का किराया तुम्हें भरना, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे अब्बा में किराया भरने की सकत नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप और किराए के घर में रहें, ये मैं होने नहीं दूंगा। वो आपको जलील कर, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। बस रहने दो बेटा, मैं पिछली बातें नहीं दोहराती। काश मैं अकेली होती तो कहीं पर भी जाकर मुंह छुपा लेती, लेकिन मेरे साथ तो तुम्हारे अब्बा है, और फिर जवान जहान तुम्हारी बहन है मेरे साथ। न जाने अब इस उम्र में आलिया को साथ लिए कहाँ दर-बदर में भटकूंगी। हमने आपसे कह रहा हूँ ना, आप किराए के घर में नहीं रहेंगी। इतना बड़ा घर है, आप सब मेरे साथ रहेंगे हमेशा। नहीं मेरे बच्चे, मुझे इस मुश्किल में मत डालो। घर का सारा कंट्रोल, इख्तियारात आपके हाथ में होंगे, लेकिन प्लीज आप इस तरह किराए के घर में रहने की बातें मुझसे ना करें। तुम इख्तियार की बात कर रहे हो बेटा? वो तो आर्या को फाड़ के कह चुकी है। क्या मतलब क्या कह चुकी है? यही कि वो मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। मॉडल ये कैसे मारा है सबको मार दूं। सास उस घर में रहना चाहती है, आप कह दे उसे वो यहाँ नहीं रह सकती, कहते उसे हॉस्पिटल। एक बार फिर कहूंगी कि रहने दो। जोर जबरदस्ती से दिल नहीं जोड़े जाते। मुझे नहीं कहना चाहती तुम क्यों जबरदस्ती उसे कहलवाना चाहते हो? कोई फायदा नहीं। अम्मी 100 बातों की एक बात है और वो ये कि आप मेरी माँ हैं। आपको मैं इस तरह दरबदर तो नहीं कर सकता ना। आपको यहीं रहना है और इस बात का फैसला आज ही होगा इसी वक्त। सुंबुल! माननी तो उसने है नहीं। सुंबुल! तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? ये मैंने क्या सुना है? तुमने अम्मी और आलिया से क्या कहा है? सुंबुल कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, ये मेरी माँ है और सबसे बरतर है। अब से ये हमारे साथ रहेंगी और मेरी माँ होने के नाते इस घर के तमाम इख्तियारात मैं इनको दे रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी इसी वक्त बताओगी तुम। अगर बाद में मुझसे कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमान सुंबुल, आपकी अम्मी यहाँ नहीं रह सकती, इन्हें यहाँ से जाना होगा। ये इज्जत है मेरी, ये औकात है। या अल्लाह, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों न गई, मर क्यों न गई। पता था मुझे, जानती थी मैं कि ये मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या कहा? अरे मैं तो तेरे शौहर को वापस घर ले आई हूँ और तू मुझे अपने घर से निकालने की बात कर रही है। कैसे खून सफेद होता है, कैसे खून सफेद हो जाता है। बहुत ही नाशुक्रिया औरत है तू, बहुत ही नाशुक्रिया तू। मिना दी तुम कहाँ गई थी? सुंबुल, बानो अभी घर आया है अमान, उसे कुछ दिन आराम कर लेने देती। उसके हाथ ही हंगामा शुरू कर दिया तुमने। अच्छा जी, मैं बात करूं तो मैं बुरी, और वो जो सामने मकर करती फिरती है वो नजर नहीं आते आपको? तुम्हें उससे नाहक दुश्मनी हो गई है बानो, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो जाइए, खुद जाइए ना, जाकर देख लीजिए अपने कमरे में कैसे वो ठंडी लाश बनी पड़ी है। और आप जानते हैं ये मकर वो क्यों कर रही है? इसलिए कि अमान ने मेरी साइड ली, मेरे हक के लिए बोला। यही देखना था कि मकर फरेब की पोटली अपने आप जमींदोज हो गई। अच्छी भली समझदार लड़की है वो, अरे क्यों करेगी ऐसी हरकतें? अब्बा अम्मी की बातों में कुछ ना कुछ सदाकत तो जरूर है। ये देखें, ये बेटी है मेरी, ये समझती है मुझे। काफी अरसे से भाभी बहुत अजीब रिएक्ट कर रही हैं। बेटा तुम्हें तो वो अच्छी लगती थी, हर वक्त तारीफें करती हो तुम से, फिर अचानक अजीब कैसे लगने लगी तुम्हें? भाभी अच्छी हैं अब्बा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। एक दिन मैंने मिनाल को चॉकलेट दी तो वो बेचारी खा रही थी, भाभी आई और उसे डांटने लगी, छीन ली उन्होंने वो चॉकलेट और कहने लगी कि इसकी दी हुई तुम चॉकलेट क्यों खा रही हो। देखा है आपने कि उसके दिल में हमारे लिए कितना बोझ, कीना और नफरत भरी हुई है। कोई ना कोई गलतफहमी हुई है बेटा तुम्हें, और कुछ नहीं। आप मुझे जानते हैं ना अब्बा, अगर ये बात एक आध बार होती तो शायद मैं आपको बताती भी नहीं। मैंने कई बार देखा है भाभी को इस तरह करते हुए, काफी काफी अजीबोगरीब रवैया है उनका, बदल गई हैं वो, इसलिए आपसे कह रही हूँ। तो बेटे तुम जानने की कोशिश करती ना कि उसके रवैया क्यों बदल गया, यकीनन कोई ना कोई वजह होगी उसके पीछे। होगी वकालत शुरू, इधर आओ तुम। क्या हुआ? बस अम्मी मैंने चॉकलेट दी मिनाल को और उन्होंने झुंझुना शुरू कर दिया मिनाल को और कहने लगी कि इसकी दी हुई चॉकलेट तुम क्यों खा रही हो। कुछ रह गया कहने को? आपकी अम्मी के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा था वो मैंने नहीं कहा। अच्छा, तो किसने कहा सुंबुल? उसने। उसने किसने? प्लीज आहिस्ता बोले, वो सुन लेगी। यार तुम कैसी हरकतें कर रही हो, खुद को संभालो, खुदा का वास्ता यार। हम एक काम करते हैं, घर से बाहर चल के बात करते हैं। मुझे लग रहा है वो कहीं इधर ही है, हमें देख रही है, सुन रही है हमें। चले। सुंबुल यहाँ कोई नहीं है, तुम पागल हो चुकी हो और मुझको भी पागल कर रही हो। अच्छा कोई नहीं है? आपको पता है नीचे हमारे स्टोर रूम में क्या है? हाँ क्या है स्टोर रूम में? नीचे मिनाल का है सुंबुल। मिनाल कहाँ है सुंबुल? आलिया मेरे पास आना, मेरे रूम मेरे पास आओ प्लीज। आओ मैं नाम आपको चेंज कर। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां अम्मी संभालेंगी और मिनाल का ख्याल आलिया रखेगी। अमान, क्या किया है मैंने? किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? जी भाई आपने मुझे बुलाया। इसको लेके जाओ मिनाल को और चेंज करो अपने पास लाओ। अमान आप जानते हैं ना मिनाल, उसको मेरे बगैर सोने की आदत नहीं है। चलो। लेकिन भाई भाभी के पास मैं कह रहा हूँ उसको लेके जाओ। तुम्हें पता है ना तुम्हारा पागलपन हाथ से गुजरता जा रहा है। नहीं हूँ मैं पागल, वो इसी घर में मुझे नजर आती है, मुझसे बातें करती है, ये सब भी वही कर रही है। सुंबुल कौन है यार, कहाँ है, दिखाओ मुझे कौन नजर आती है। फॉर गॉड सेक यार, खुदा की कसम हद हो गई। देखना है ना आपने, चले मैं आपको दिखाती हूँ क्या किया उसने इस घर। इस स्टोर में लाश है। लाश है? यहीं खड़ी रहो। हाँ, कहाँ है लाश? पहले तुम्हें बच्चे के रोने की आवाज आती थी, फिर तुम्हें डाइन नजारा आना शुरू हो गई, और आज स्टोर में लाश। कम ऑन सुंबल यार, देखी थी अमान, यहीं पे तो थी। हाँ तो कहाँ चली गई? मुझे क्यों नहीं नजर आ रही? Stupid nonsense. मुझे तो लगता है मैं ठीक कहती है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो, लेकिन क्यों कर रही हो ये बात समझ में नहीं आ रही। जिस दिन मुझे ये बात समझ में आ गई ना सुंबुल, उस दिन या तो तुम नहीं या मैं नहीं। क्या हुआ? गिर गई, चोट तो नहीं लगी? भाभी मैं कनाल को देखने आई थी, जैसे ही कमरे में आई तो करवट लेते हुए गिर गई। सच सच बताओ, ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? हाँ मैं ठीक हूँ। जाहिर है तुम्हें आदत नहीं है ना मेरे घर की, ना ही इस कमरे में रहने की। ऐसा तो होगा भाभी, मुझे लगा किसी ने मुझे धक्का दिया है। बेकार बातें मत करो, बल्कि एक काम करो कि बाहर सोफे पे जाके सो जाओ, क्योंकि अपनी मैनाल के साथ सिर्फ मैं सोऊंगी। तुम अभी जाओगी और जाकर उनसे माफी मांगोगी, वरना सुंबुल मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकालूंगा। क्या बात है। मैं अपने घर में भी सुबह सुबह नंगे पांव घास पर टहलती, यहाँ भी टहलूंगी। ऐतराज है तुम? क्या देखे जा रही है? चलो अंदर जाओ। सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो, ऐसे मेरे मुंह से कोई उल्टा पुल्टा निकल जाएगा। जाओ। कहा था ना तुमसे कि चली जाओ यहाँ से। कब जाओगी? मैं क्यों जाऊंगी? मेरा घर है, मेरे बेटे का घर है, मैं तो यहीं रहूंगी। कितने दिन रहोगी? क्या? मैं अब यहीं रहूंगी हमेशा। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रहने दूंगी इस घर में, वो भी हमेशा के लिए? तुम्हारे तो अच्छे अच्छे नहीं निकाल सकते मुझे इस घर से। भूल गई तुम रात को मेरे बेटे ने क्या किया था? अब क्या चाह रही हो? सुबह सुबह फिर वही तमाशा लगाना है? जाओगी तो तुम, और वो भी बहुत जल्द। मैं जाऊंगी। सुबह सुबह मनहूस मथे लग गई, मूड खराब कर दिया सारा। अम्मी क्या हुआ आलिया? बेटा क्यों सुबह सुबह चिपक रही हो? पीछे हटो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? अम्मी मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। छोड़ो, डर लग रहा है क्यों? सुमन ने कुछ कहा है? नहीं तो फिर कोई डरावना ख्वाब देख रही शायद। अच्छा चलो अब मेरे साथ नाश्ता बनाने में मदद करो मेरी। मेरे साथ नाश्ता बनवाओ। आलिया बेटा तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। अच्छा चलो जाओ मुँह हाथ धोकर आओ, मेरे साथ नाश्ता बनवाओ। पता नहीं वो महारानी कब उठेगी, वो तो सो रही है। तुम्हारे अब्बा और अमान उठ जाएंगे अभी। जाओ। जीना, नगीना, अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। मिया नाश्ता आप बना रही, नगीना कहाँ है? अल्लाह जाने बेटा, वो तो गायब है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से तुम्हारी बीवी को पता चला है कि अब हम लोग यहीं रहने वाले हैं, उसने उसको काम से ही निकाल दिया। कहाँ है सुम्बुल? कहाँ है? क्या मतलब वो अपने कमरे में नहीं है क्या? नहीं, कमरे में नहीं है। अल्लाह जाने क्या ड्रामेबाजियां करती फिर रही है। सुबह तो मुझे नजर आई थी लान में, ऐसे मुंह खोल के मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे धमकी दी कि तुम्हें घर से निकाल दूंगी, और अंदर चली गई। एक मिनट, क्या कहा आपने? सुमन ने आपको धमकी दी? हाँ भाई, रात को भाभी मेरे कमरे में आई थी मिनाल के साथ सोने के लिए। हो सकता है वो दोबारा उसी कमरे में चली गई हो, आप वहीं जाकर देखें। भाई को पूरी बात बताओ ना तुम। न सिर्फ वो कमरे में आई थी बल्कि बताएं पूरी बात, क्या किया है सुमन ने आपके साथ? बेटा वो रात को उसने आलिया को धक्का देकर पलंग से नीचे गिरा दिया और कहा कि मिनाल के पास मैं खुद सोऊंगी। अम्मी और तुम्हारी बहन सोफे पर जाकर सोई बेचैनी से, तो तुम्हारी बीवी को फिर भी चैन ना आया, वहाँ भी पहुँच गई उसको सताने और ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बकती रही। अम्मी हो सकता है मैं खुद ब खुद गिर गई हूँ या मैंने कोई ख्वाब देखा हो। चुप करो आलिया, भाभी को बचाने के लिए तुम झूठ भी बोलोगी? अरे मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रही हूँ, मैं तो अपने बेटे को वही बता रही हूँ ना जो कुछ उसने किया। चलो छोड़े, मिनाल उठ जाएगी। क्या कर रहे हैं आप? मुझे बताएं मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया? जहालत की हदें क्रॉस कर दी तुमने सुम्बुल, और तुम मुझसे कह रही हो क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया है। क्या कह रहे हैं आप? ये मेरी लास्ट वार्निंग है सुम्बुल, तुमने फिर अम्मी और आलिया से बदतमीजी की है। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो मैं घर से निकाल दूंगा। बदतमीजी? हमारा आपसे कसम उठवा ले, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। तो वो दोनों पागल है, अंधी है। रात को तुमने आलिया को बिस्तर से गिरा दिया, ऐसा कौन करता है सुम्बुल? और अम्मी से सुबह बदतमीजी की और तुम मुझसे अब झूठ बोल रही हो। ये सब मैंने किया है। नहीं अमान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है सुम्बुल, ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से तुम। माना आपको नजर क्यों नहीं आता है? इस घर में कुछ है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वही कर रही है। मानो प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया है। बकवास बंद करो यार। मैं तुम्हारी तरह अकल से पैदल नहीं हूँ जो खुराफात में यकीन करूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम उनसे बदतमीजी करती हो। तुम अभी जाओगी और जाकर उनसे माफी मांगोगी, वरना सुम्बुल मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकालूंगा।